हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने एक्सपर्ट एजुकेशन C&E इंस्टीट्यूट में। आज के हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं एक छोटी और एक बड़ी सी प्रॉब्लम के बारे में। जैसे एग्जांपल कि ये मेरी एक राइटिंग बुक है जिसमें मैंने आई थिंक आज ये 2013 की मेरी डायरी है जिसमें मैं जब इंग्लिश सीखा करता था तब मैंने इसमें काफ़ी सारी स्पेलिंग्स लिखी थी। उन स्पेलिंग्स को मैं कंप्यूटर में टाइप करना चाहता हूँ। वैसे तो मैनुअली भी हम कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा तरकीब है कि मैं इसे स्कैन करूँ और ये सारी स्पेलिंग टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए और उसे हम आसानी से अपने MS वर्ड में काम कर सके। दूसरी समस्या ये है कि जब मैं इंग्लिश सीखा करता था तो ये मेरे पास एक जेरोक्स कॉपी है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि काफ़ी सारे टेक्स्ट और किताबें, ये नोटबुक बहुत पुरानी हो गई और मैं इसे डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? पूरी की पूरी नोटबुक को डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन इसे करने के लिए हमारे पास कोई तरकीब नहीं, क्योंकि अगर मैं इसे किसी को लिखने को देता हूँ तो उसको एक एक पेज इसे लिखना पड़ेगा जिसमें बहुत सारा समय बर्बाद होगा। तो समय बर्बाद ना हो तो उसके लिए मेरे पास एक तरकीब है कि आपको करना क्या होगा कि हम इस पेज को क्या करेंगे, स्कैन कर लेंगे। तो स्कैनर अगर आपके पास है तो उससे भी आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो मोबाइल स्कैनर का उपयोग करके मोबाइल में आप इसके हर एक पेज की फ़ोटो ले लें और इसे हम फिर डिजिटली कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट को, हम उसको देखेंगे। तो उसको करने के लिए आइए चलते हैं हमारे सिस्टम पर और स्टार्ट करते हैं इस प्रोसीजर को। तो मैं इसकी फ़ोटो लेके सिस्टम में डालता हूँ और फिर देखते हैं इसे हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है कि इमेज मेरे मोबाइल के कैमरे से उसे क्लिक कर लिया है और उसे डाउनलोड करके मेरे सिस्टम में मैं लेके आ चुका हूँ। आप जैसे देख सकते हैं बड़ी आसानी से। और मैं इन्हें क्या करने वाला हूँ कि इन्हें हम कर देते हैं क्रॉप। तो मैं इसे थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ दोनों इमेजेस को। तो मैंने इसे ऊपर से और नीचे से इसे कर लिया है क्रॉप और इसे कर देते हैं सेव। दूसरी भी इमेज हम इसी तरीके से कर लेते हैं। जो मैंने जो हैंड राइटिंग में तब मैंने खुद से अपने हाथ से लिखा है उसको भी हम उसी प्रकार से क्रॉप कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ हमारे पेज की ज़रूरत है, बाकी किसी एक्स्ट्रा एरिया की ज़रूरत नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको एक सिंपल ट्रिक यूज़ करना है, बहुत ही आसान है। वैसे तो ऑनलाइन और भी फैसिलिटीज़ हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर पहले बात करेंगे गूगल के ऊपर। तो गूगल के थ्रू आप इसे कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हम गूगल डॉक्स का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर आ जाना है और सबसे पहले उन दोनों फाइल को क्या करना है, ड्राइव में अपलोड करना है। किस में करना है? ड्राइव में अपलोड करना है। तो ड्राइव में अपलोड करने के बाद क्या करना होगा कि आप यहाँ पर आइए, न्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको मिल जाएगी फाइल अपलोड, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही दोनों फाइल को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे। तो आप जैसे ही सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो ये दोनों अपलोड होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों फाइलें हो चुकी हैं अपलोड। अपलोड हो जाने के बाद आप इसे देख सकते हैं कि ये कहाँ पर अपलोड हुई, तो उसके लोकेशन पे हम जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों फाइलें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले हम मैंने जो किताब की बुक से लिया था इमेज, उसको हम डॉक्यूमेंट में ओपन करके देखेंगे कि ये टेक्स्ट में बदल रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस इमेज को सेलेक्ट करना है और उसके 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो वहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाएगा ओपन विथ। ओपन विथ के अंदर अगर आप देखोगे तो वहाँ मिलेगा गूगल डॉक्स। उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो ये उस फाइल को, मतलब इमेज को गूगल डॉक्स में ट्रांसफ़र करेगा और साथ ही साथ में एक कमाल भी करेगा। जैसे कि ये यहाँ पर इमेज अपलोड हो चुकी है और अगर मैं इसके जस्ट नीचे आता हूँ तो देखिए यहाँ जो टेक्स्ट लिखा था उस टेक्स्ट को उसने यहाँ पर मैनुअली भी टाइप करके बना दिया है बड़ी आसानी से। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि ये आसानी से बुक का जितना भी हिस्सा लिखा हुआ था उसने उसे ट्रांसलेट करके उसके टेक्स्ट को निकाल के यहाँ पर मैनुअली टाइप कर दिया। आप चाहो तो इसे बोल्ड कर सकते हो। कलर अगर आप इसका डायरेक्ट ब्लैक रखना चाहते हो तो उसको भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ये रहा कलर, कलर में जाके ब्लैक कलर। तो देखिए एकदम परफेक्टली हमारा टेक्स्ट उस इमेज में से निकल आया है। अगर हम इसी प्रकार से करते हैं हैंड राइटिंग वाले पेज को, सपोज इसे मैं बंद करता हूं और सेम यहां पर आ जाता हूं, इस फाइल को डिलीट कर देते हैं क्योंकि वैसे मेरे को इसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, जब होगी तब हम करेंगे। अब जैसे एज ए एग्ज़ाम्पल कि जैसे आप देख सकते हो ये इमेज है जिसमें मैंने अपने हाथों से लिखा हुआ है, तो हैंड राइटिंग को भी टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। तो आपको इसके भी 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, ओपन विथ में आना है और गूगल डॉक्स पे क्लिक करना है। तो गूगल डॉक्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये नए टैब में ओपन होगा और उसके पूरा प्रोसीजर शुरू होने लगेगा। अब जब ये पूरी इमेज यहाँ पर ओपन होगी, ओपन होने के बाद अब जब इसके नीचे जाओगे तो देखिए कि यहाँ पर वो स्पेलिंग और उसका मतलब साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है। बस आपको इसे एक एक करके लाइन से रखना पड़ेगा। देखिए हर एक स्पेलिंग यहाँ पर अवेलेबल है और हिंदी भी उसका साथ में आ चुका है एकदम परफेक्टली, यानी कि आप किसी भी हैंड राइटिंग से लिखे हुए टेक्स्ट को आप अपने डिजिटल टेक्स्ट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आई होप यू, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से चाहे बुक का हो चाहे हमारी नोटबुक का टेक्स्ट हो, हम उसे डिजिटली कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, वो भी किसके द्वारा, गूगल डॉक्स के द्वारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।